नमस्कार, शिवम सिंह नाम हमारा और आप देखना शुरू कर चुके सिमरा दर्पण न्यूज। आज आपको दिखाते हैं कि जैसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी काल में सारे स्कूल, सारे कोचिंग संस्थाएं सभी बंद कर दिए गए हैं और न खोलने का आदेश दिए गए हैं, वहीं पर कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा आज जो रायबरेली में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया गया और कहा गया है कि हमें अनुमति दी जाए आखिर इस कोरोना काल वैश्विक महामारी में जो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम चलता है उससे आखिर हम अपने शिक्षकों की सैलरी कहां से देंगे, वेतन कहां से देंगे। और यहीं पर देखते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आजकल बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं, तो वहीं पर उन्होंने कहा कि हमें पूरे आदेश दिए जाएं, हमें पूरे कानून दिए जाएं कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नियमानुसार कम बच्चों की उत्तम व्यवस्था करते हुए हमें कोचिंग एवं स्कूल जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको खोलने का आदेश दिया जाए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि एक शिक्षक किस तरीके से अपनी न्याय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान जो बंद हैं उनको खुलवाने के लिए, रीओपन करने के लिए किस तरीके ज्ञापन दिया और क्या मीडिया कर्मियों को, हमारे रिपोर्टर, हमारे संवाददाताओं को क्या अवगत कराया, मतलब किस बात को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? हम लोग यहाँ आज उत्तर प्रदेश कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन से आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि निश्चित संख्या में हमें कोचिंग खोलने की परमिशन दी जाए। जो इतनी दिन से जो हमारी कोचिंगें बंद चल रही, मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हम लोग इस इंतज़ार में थे कि हमारी कोचिंगें खुलेंगी और हम लोग वैसे ही रिसेशन से ग्रसित थे और जैसे ही हमें यहाँ पर खोलने का बारी आई वैसे ही हमने देखा कि हमारे जो है कोचिंग संस्थान इमीडिएट बंद हुए। तब से हमारा खर्चा पूरी तरह से, चाहे वो EMI हो, चाहे किराया हो, चाहे विद्युत बिल हो, वो चल रहा है, हमारी आय बंद हो गई है। हम चाहते हैं कि हमें जो है परमिशन दिया जाए, जैसे बाकी संस्थान खुल रहे हैं, जिम खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, वहाँ तो कोई भी जो है मानक होते या नहीं होते, लेकिन हम लोग छात्रों को अपने अनुशासन में रखते हैं और अनुशासित रखते हुए हम चाहते हैं कि हमें परमिशन दिया जाए। जो छात्र पढ़ने के इच्छुक हैं, ऑनलाइन पढ़ाई में हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, हम ऑनलाइन पढ़ाई करके छात्रों का विहित करना चाहते हैं और सारे मानकों का प्रयोग करते हुए हम चाहते हैं कि हमारी आय किसी भी तरह से शुरू हो। ना हमें सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है, ना हमें जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है। हम चाहते हैं कि हमें मदद करें या ना करें, कम से कम हमें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका तो दें जिससे हम अपने खर्चे चला सकें।